नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ये एक ऐसा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है। झाड़ू ज्यादातर घास, फाइबर, प्लास्टिक या सिंक की बनी होती है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक सामान्य सी वस्तु मानते हों, लेकिन इसका संबंध आपके सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा भी शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई निर्णय बताए गए हैं जिसे नहीं मानने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अक्सर झाड़ू का इस्तेमाल करने से वो खराब हो जाती है, जिसके बाद इसे बदलकर बाजार से नई झाड़ू लाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू किसी भी दिन खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए? शास्त्र के अनुसार कुछ दिनों के बारे में बताए गए हैं जिस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। आइए जानते हैं किस दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। किस दिन खरीदे झाड़ू? ज्योतिष के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे उत्तम और शुभ होता है। मंगलवार या शनिवार को झाड़ू खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। सिर्फ यही नहीं, झाड़ू खरीदने के लिए वार के अलावा पक्ष का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में भी झाड़ू खरीदना अच्छा और शुभ रहता है। पुरानी झाड़ू किस दिन फेंके? कहा जाता है कि घर का जो भी टूटा फूटा या पुराना सामान है उन्हें अमावस्या के दिन घर से बाहर निकालना चाहिए। झाड़ू भी आप इसी दिन बाहर निकाल सकते हैं, साथ ही शनिवार के दिन भी झाड़ू को घर बाहर निकाला जा सकता है। पुरानी झाड़ू भूलकर भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर के बाहर ना फेंकें। इससे माँ लक्ष्मी भी झाड़ू के साथ घर के बाहर चली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार क्रमशः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।